आई तो ले। चलो भाई खतरनाक वाली बारिश लग गई है यहाँ पर। देखिए कुछ ऐसे धन्नी वर्क है। दीपू पूरा भीग चुका है पीछे से। पचिन में देख बरखन पचिन बैठी। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मेरा नाम है अनुराव, तो स्वागत है आपकी देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों में। बरसती सुबह में तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ठीक गाढ़ देखने, मतलब गधेरा आ रखा है, बहुत ही बड़ा गधेरा आ रखा है। तो अभी मैं और दीपू जा रहे हैं, दीपू पीछे से आ रखा है। अभी अभी टाइम हो चुका है 9:30 और हम दोनों जा रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर संदीप भी जुड़ चुका है भाई। ये देखिए आ गया है भागते भागते। ये देखिए गाढ़ देखने का जुलून। ये देखिए दोनों भाई सेम सेम छतरी लेके आ रखे हैं। देखिए ये देखिए दोनों के दोनों सेम सेम छतरी। अब दोनों के भाई के बीच में झगड़ा होता खतरनाक। यह देखिए झगड़ा हो रहा है भाई दोनों को तगड़ा वाला। अब यहाँ से चलते हैं तीन गधेरे में और आपको दिखाते हैं बाढ़ बहुत ही खतरनाक। देखिए दोनों को झगड़ा होने लग गया। तो ऐसी छतरी क्यों लेके आया है संदीप? तू ये छात के लिए लेके आए? वह रोको दोनों सीखा बोला। बहुत ही तगड़ा वाला झगड़ा हो रहा है इन दोनों को। देखिए कालू भी आ रखा है भाई हमारे साथ बाढ़ देखने। कालू 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 को भी देखने का मन कर रहा है। और यहाँ पर पूरा मिट्टी बह चुकी है यहाँ से ऊपर से। ये देखिए पूरा बॉटल ना गाढ़ा गाढ़ा। अब तो बरखा वो गाढ़ का मोगा थोड़ा। हाँ बेटा भाग जला मैं। अब काम होगा सवेरे चाहिए खतरनाक था सवेर से एक्समिल भाई साहब। अभी कम हो चुकी है बाढ़। ये देखिए भाई ये वाला रात को आई थी बहुत खतरनाक, अभी तो कम हो रखी है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा हो रखा है इस साइड को और इस साइड को बाढ़ के हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं। अब कम होगा गाढ़ पहले पहले निशान हो चुके हटवा तो सर वो रहे पहले गाढ़ के बाढ़ के निशान वाले। अब नीचे कम हो चुके हैं। तो यहाँ से देखिए कुछ ऐसे है बाढ़ के हालत और ये काम हो चुकी है यार मुझे पक्का पता। हाँ यहाँ पर संदीप ने सांप देखा था और देखिए वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। तो पूरा मतलब बाढ़ का मोरखी है भाई। गढ़वाल की चक्कर इसका सुबह आ रखी थी बाढ़, अभी तो थोड़ी कम हो रखी है ना संदीप? क्योंकि वो जो निशान लगे हैं ना बाढ़ के तो बहुत ऊपर हैं, लेकिन अभी कम हो रखी है क्योंकि बारिश अभी कम होगी और रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही थी। इतनी बाढ़ आ रखी थी सुबह को और अब तो कम हो रखी है। अभी साइड को यहाँ पर इतनी कम हो रखी है, अभी उस टाइम खतरनाक दिख रहा होगा, अब तो कम दिख रहा है। और देखिए कुछ ऐसा हो रखे आजकल ऐसे हो जाते हैं छोली, इसको बोलते हैं छोई फूटना। यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसे गड्ढे हो जाते हैं पूरा और पानी निकल जाता है, मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं। ये देख और तेरे की
देखिए पंजेरी के हाल कुछ ऐसे हो रखे, फुल पानी हो रखा है, पूरा पानी भर रखा है, किसी ने गिलास भी रखा है पानी पीने के लिए शायद, और जो पंजेरा होता है ना उसका पानी यहाँ से निकल जाता है थोड़ा बहुत। यहाँ से देखिए कुछ ऐसा, यहाँ से अंदर अंदर कुछ होगा गड्ढा, और तो यहाँ से सीधा पानी जा रहा है, तो यहाँ से चलते हैं ठीक अब घर को। टाइम हो चुका है 12:30 और मम्मी चली गई थी 11:30 करीबन गौशाले में गोबर निकालने वहाँ, क्योंकि बारिश की वजह से गौशाले के अंदर पानी चला गया था तो उसको निकालने। तो अभी मैंने खाना वाना बना के अभी उसके बाद ठीक सुशील का कॉल आया कि मेरे बाल काट दे, तो मैं आ रहा हूँ यहाँ से, तो मैं भी जा रहा हूँ नीचे गधेरे के सामने, वो भी आ रहा है तो वहाँ से उसके बाल काटते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है, खाने खाने आ जाएंगे घर। तो अभी ना थोड़ी बहुत बाढ़ कम हो चुकी है, हमारी भाषा में बोले तो गाढ़ कम हो गए और बरखा भी बंद हो गया, गाँव लोग खतरनाक पर इतना मौसम है खतरनाक होगा इस साइड में। अरे माँ गोपा जी क्या मस्त माहौल, मस्त सीन दी कौन सा है। तो भाई मैं ठीक पहुंच चुका हूँ मंदिर के सामने और यहाँ पर आपको कुछ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर नया कुछ बना रखा है, तो चले इस साइड से दिखाता हूँ, मैं बाहर से अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा अच्छे से, तो चले जी चले चले ठीक है। देखिए दिख रहा है कुछ, टाइम पहले यहाँ पर ये नया गेट बना रखा है, अभी कुछ दिन हो रखे हैं, 3-4 दिन हो रखे हैं, तो अभी नया नया है, अभी इस पर प्लास्टर वास्तर कुछ नहीं हो रखा है, तो अभी मुझे पता नहीं है किसके द्वारा बनाया गया है, तो अभी पता चल जाएगा जब प्लास्टर होगा तो उसमें नए बोर्ड लगाया जाएगा तो पता लग जाएगा किसके द्वारा बनाया गया है। तो कुछ ऐसा सीन है, देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ से कुछ बिल्कुल मस्त करके, यहाँ पर सीन देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है कुछ, यहाँ पर इस गली में किला बट्टी जुते गए उन्होंने, चल आ जा तो यार देखिए कैंची वैची सब लेके आ रखा, दिखा तो कैंची गाय के साथ और दीपू पहले से आ रखा है यहाँ पर गाय के साथ, और दीपू के हाल देखिए कुछ ऐसे पूरे दिन भरे गाय के साथ ही रहता है ना, सुबह से गया था और इसने हाँ इस, कुछ नहीं हो गया तो था एवरी दिन मैं तो मैं बाल क्यों चल गो, और दीपू के कटिंग देखिए भाई खतरनाक वाली हो रखी है, और कुत्ते को इसने कैसा बांध रखा है देखिए, कोई लोगों ने बोले गुरु बोल गुरु, अभी तो तिल बांध अभी मेरे भीड़ है मैंने तेरे ठीक थे ना, वो भाग गया वो कालू आ गया वहाँ से, और आज का मौसम देखिए बिल्कुल मस्त हो रखा है यार, अभी मतलब अभी हो रखा सुबह से तो बिल्कुल बारिश लगी हुई थी। अभी शाम हो चुकी है 6:30 बज चुके हैं और अभी सारे गांव से धूप चली गई है, सारे पहाड़ों से गांव धूप चली गई है, और अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है बिल्कुल देखिए ये वाला मौसम हो रखा है, एक नंबर वाला मौसम हो रखा है बिल्कुल मस्त, और हमारे गांव का कुछ सीन ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पर दीपू का देखिए कितनी कर रहे हैं पीछे से, मौसम भाई एकदम मस्त हो रखा है यार। ऊपर साइड वाले देखिए बहुत ही काले काले बादल लगे हैं, इस साइड को भी देखिए बिल्कुल काले बादल लगे हुए हैं, और यहाँ पर दीपू कुछ बोला, दीपू बताइए दीपू भाई कैसा लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है दीपू को सही बात है, और अभी कुछ ऐसा सीन है
और यहाँ पर आज शायद बंद मैं, दबा मिला। और आज हमारे गांव में लाइट भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। क्या ही बताएं यार, लाइट लाइट तो यार भयंकर सुबह वो लाइट नहीं। और डिम लाइट ना, वो डिम में फोन टुई 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 करो ना, है ना। दीपू पापा फोन नहीं, चल के ख्याल करो ना। हाँ दीपू, दीपू के पास आईपैड वाला फोन है, कीपैड वाला फोन, आईफोन, आईफोन वाला। धूम ये मुझे कुछ देख रहे हैं, इनको आप जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। कुछ सामने तो देखिए, कुछ यहाँ पर भी है और कुछ इस साइड को भी है, कुछ यहाँ पर भी है। देखिए बहुत सारे हैं, आप देखिए। हाँ दीपू भगाई इनको, ये देखिए इनको हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, क्या बने डिवर वाकर ने, हाँ डिवर वाकर बनी, ये डिवर वाकर बनी। तो आजकल ऐसे ही रहते हैं बहुत ज्यादा। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं, देखिए बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, तो इनको आपके गांव में क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो भाई गाय तो चले गया घर और मैं यहीं पर ही बैठ रखा हूँ। तो इस वीडियो से करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि अभी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।